जिसने जिन्होंने स्पॉन्सर किया। रूम कितना कोजी सा है, लुक एट द इंटीरियर। चार्जर गिर गया, नाली में गिर गया चार्जर, शिट। जीता हूँ जिसके लिए, गाना बजेगा अभी पीछे। क्या कहते हैं हमें, तीनों देश घूम लिए हैं। कौन कौन सी जगह? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी ब्रेकफास्ट में कुकला बन रहा है। हाँ, ये हाथ से भी बनता है, मशीन से ही बनता है, ऐसे कटिंग करके बनता है, चाकू से भी बनता है। हाँ, कटिंग करके भी बनता है, वो तो खाने के बाद पता चलता है। यस, टेस्ट की बात है। लेकिन मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये 10 बजे की बस से। पुन्नू बता रही है दिल्ली का पूरा, मतलब जो भी मेट्रो किससे, मेट्रो मेट्रो से जाता। तो इसका मेन जो स्टॉप स्टेशन है वो है राजीव चौक। आपको राजीव चौक में ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके, फिर आप होंगे आनंद विहार, दैट इज इन ब्लू लाइन, ठीक है। ये तो ये है आनंद विहार, ठीक है, वैशाली की तरफ। तो आप आनंद विहार से जाओगे, ये देख लो ऐसे। दिल्ली जानू मैं, दिल्ली मैं, दिल्ली जानू, दिल्ली आज एल्ले। ओए, नाश्ता करने बस जाऊं मैं। हाँ? नाश्ता करने के बाद जाऊंगा दिल्ली। वो बात, हाँ, नाश्ता खोलना है वो बात, दिल्ली जाऊं सीधा। ये न्यू नो ने खाली करने खाली करने हो काम से मेरे बोल ऑन वापस हे भगवान, दिल्ली दी कहा दी टार वहाँ दी फजी धोल मेरा हो वहाँ दी गरम लहने बेटा तिम कबे धन जाए दिल्ली। हाँ दिल्ली तो भाई क्वार्टर ले रद्दी अनुआ है खुशबू मारी तभी नानी ने पाउडर जाए पाउडर कितना मस्त तरीके से लगा यू कुकुर है तंदे चारन है यू ये कुकुर है तंदे चारन है यू तुम्हारे हाथ में शहद लग रहे हैं शहद और यू मक्खी है और मैं मक्खी हूँ तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम दिल्ली में जाऊंगा एकदम मस्त करके रहूंगा बिकॉज लास्ट टाइम में गया था वो थप्पड़ थप्पड़ में था अब मैं वहां पे जाऊंगा मैं खोलो बैग निकालो इसमें डालते हैं कपड़ा या वो डाल दिया रे एक मजा ये दो मजा यू सच में एक्साइटमेंट हो रही मुझे क्या बताओ यार इतने टाइम बाद लगेज के साथ दिख रहा हूँ मैं ये किधर दे कितना हल्का बैग है कुछ डाला ही नहीं मैंने इसमें टाइम बाद मैं बैग लेके जा रहा हूँ ये क्या चीज कोई बात नहीं यार ये नानी जी जानू मैं ख्याल रखे ये मुन्ने कोल्ड कॉफी ये और ये है पतुरिया पतुरिया पतुरा और यहाँ बना है मस्त सा ओए होए कुकला तो कितना यम दिख रहा है अरे टीका क्यों लगा दे रहे हो कहीं पहाड़ में थोड़ा जा रहा हूँ दिल्ली जा रहा हूँ भाई जय हो जय भद्रकाली जय भद्रकाली हो गया भाई हाँ जी जी नमस्ते प्रणाम क्या कुकला है ये बन ये है एकदम पतूरा ये तो बड़ी मम्मी ने भेजा था और यहाँ ये मामी ने बनाया है बड़ा मस्त बना रखा है शाबाश देखा मैं सही चीज़ सिखाता हूँ आप लोग को तो हाँ ये कॉफ़ी मुन्नू ने बनाया कितना टेस्टी कॉफ़ी बनाया भाई छोटे से बन अरे हाय मज़ा ही आ गया चलते हैं सीधे बस स्टैंड नानी जी मैं जानू ठीक है बाय क्या जोकले जानू मैं मुनमुन छाने मैं वहां बाय नानी जी बाय चलो बाय 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 अभी मैं तो जा रही हूँ रे जा रही हूँ चल हट अबे हट ना यार तू भी चल कर दिल्ली चल तू भी चल ना सबको काटना चल तेरे को मेट्रो में घुमाऊंगा
थैंक गॉड मुन्नू मैंने अपनी बस रुकवा दी थी देर तक, जल्दी से जल्दी से चार्जर दे दे चार्जर। थैंक यू मुन्नू यार। ओए वो गिर गया चार्जर, गिर गया नाली में, गिर गया चार्जर। शिट चल बाय बाय अच्छे जाना। बाय 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 बाय। चार्जर तो नाली में गिर गया था और इसे अभी धो दिया यार मैंने। तो वो रही अपनी बस और मैं अभी जूस पीऊंगा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं बिकॉज खाने का कुछ मन भी नहीं कर रहा, जूस पीऊंगा मैं। भैया पहने पर शेक हो जाएगा? हाँ बना दीजिए। तो मेरा जूस तो बन रहा है, उसके बाद पीने के बाद सीधे बस में बैठना पड़ेगा यार। इतना लंबा सफ़र बस में बैठना क्वाइट बोरिंग है, अगर बाइक में आता ना तो ज़्यादा मज़ा आता सीधे। लेकिन गर्म इतना हो रहा है ना बाहर, आग निकलने जैसा, आग में चलने जैसा हो रहा है। तो ये रहा भैया। तो चलो मैंने कैब तो बुला लिया है। हे भगवान ये कैब वाला कहाँ गया, मेरी तो एक गर्म से ना पाद निकल गई कसम से। कब आएगा कैब वाला भैया, कहाँ पहुँच गए तुम यार? बड़ा लंबा यहाँ से, यहाँ से जगह नहीं थी ना, यहाँ से भी ऊपर वही पास, ऊपर से भी इतना लंबा जाना पड़ता है, इधर से जाना पड़ता है। हाँ रेलवे स्टेशन से है। ये प्रगति मैदान है। अरे भैया कभी हल्द्वानी आना ना, कभी आप हल्द्वानी आओ, आपको हल्द्वानी घुमाते हैं बस करके। अच्छा ये है प्रगति मैदान। वैसे भी हम लोग जाएंगे सीधे लेमन ट्री बिकॉज वहीं पे स्पॉटेड एंड वहीं पे कजिन लेवर का वेट कर रहा है और वो भी जैसे अभी अपनी फ्लाइट से अभी उतरा है और वो अभी मेरे को मिलेगा लेमन ट्री में और मैं भी वहीं पे बस पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में। काफ़ी दूर है एंड मेट्रो में जाता तो बस खाली भटकते ही रहता, मेट्रो में बहुत चेंज करना पड़ता ना मेरे को। ये कौन सी जगह भैया? प्रगति मैदान ही है। अच्छा ये पूरा ओके। बीस साल हो गए आपको? अरे बीस साल। अच्छा साउथ में ज्यादा रहे इधर। साउथ में? अच्छा दिल्ली साउथ ना, ना दिल्ली साउथ में नहीं। हाँ वैसे नीचे इंडियन साउथ, इंडियन साउथ। अच्छा तो वहाँ और यहाँ में क्या अंतर होगा? साउथ में अच्छा है, साथ में ईमानदार आदमी बात है। अच्छा और वहाँ पर बहुत ही सिंपलिसिटी टाइप की है ना, सादा जीवन टाइप का, ये भी बढ़िया है। चलो भैया ने भी एकदम साउथ के मज़े भी ले लिए हैं। तो दिल्ली में मज़ा आ रहा आपको? तो लास्ट कन्याकुमारी तक। अच्छा अरे भैया आप इतना तो, आप तो कम से कम इतना घूम लिए हैं, लेकिन क्या कहते हैं हमें तीनों देश घूम लिए हैं। कौन कौन सी जगह? काठमांडू नेपाल। अच्छा बांग्लादेश भी घूम चुके हैं? बांग्लादेश में थोड़े ही गए। हाँ हाँ कस्टम से थोड़ा आगे। अच्छा बाकी नेपाल बांग्लादेश और बांग्लादेश भारत ही आपका ही राज्य रह गया। इधर नहीं गए। और उत्तराखंड नहीं गए आप? उत्तराखंड अरे बड़ी शानदार जगह है, अच्छा है वैसे। ये बिल्डिंग जो आगे दिखाई दे रही है। हाँ अच्छा
अभी जो है ऐसे वीडियो बना चलते चलते, लेकिन अब यहाँ से घूम जाओगे अपन लोग। दिल्ली का भपका चल रहा है तो आपके गोले के सामने से गुजर रहे हैं ऐसा लग रहा है। कांच की बिल्डिंग है यहाँ पे, फुल्ली कांच का है पर बिल्डिंग, मैं कह रहा पूरे कांच की बिल्डिंग है ये, पूरी पूरी कांच की बिल्डिंग। सो ये रहा होटल लेमन ट्री। सो राइट नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय बैग, अभी बैग आएगा बाहर वो अच्छा चेकिंग कर लेंगे, उसके बाद अपने रूम पे जाते हैं। तो तब तक थोड़ा सा मैं वेट कर लेता यहीं पे। क्या है पे देखा नहीं मैंने, थैंक यू बाबा। सो हियर इज द पंकु, जस्ट अभी लैंड किए हैं कहाँ से, मणिपुर से। ओह माय गॉड, मणिपुर का छोड़ा अटक गया यहाँ पे, खिलाएगा मेरे को पकौड़ा। Come on, let's get it. यहाँ का तो लिफ्ट भी कितना सही थी भाई। तुम तो ऐसे प्रो लग रहे हो जैसे अभी तुम भी पहली बार आए हो, ठीक है, इतने बड़े होटल में। चौथी बार आ रहे थे यहाँ पे। ये भाई साहब, ये तो बहुत ही खतरनाक कर देता अपन को। भाई मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। लाट रोका तो नहीं नीचे? नहीं तो कितनी रोका, लाट वाली फीलिंग आ रही एकदम। कौन सा रूम लियो बे? ओहो भयंकर, इतने ढेर सारे रूम है। रिकॉर्ड तो करो एक बार, ऐसा कुछ पकड़ो। हाँ ये भी जन्नत ही मांगे। वन, ये अपना रूम है आज का, ये तो फिर स्पॉन्सर्ड बाय, नहीं बताऊंगा मैं उनका नाम जिसने जिन्होंने स्पॉन्सर्ड किया ये। ओ इसको बंद ही करना है, जिन्होंने स्पॉन्सर्ड किया उसका नाम नहीं बताएंगे हम। बट यार रूम कितना कोजी सा है, लुक एट द इंटीरियर। एसी चलाओ बाबा। और ये देखिए नीचे स्विमिंग पूल, जो कि अभी थोड़ी देर में कच्चा अच्छा उतार के सीधा डुबकी मारनी अंदर ना भाई, क्या चलना है, पाशु भाई की शादी है बाबा। तो यार रूम को देखो यार, क्या लाइटिंग है यार, ऐसी लाइटिंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद है रूम में। ऑनवे से लेके सब चीज मिलेगा, आज के दिन हम दोनों राजा बन गए भैया। मैं राजा बाबू, तो ये है गंगू तेली। हाँ तो नया चप्पल भी मिल गया है, अरे वाह ये तो स्लिप ऑन है, ये तो बड़ा प्यारा शाही चप्पल दिख रहा है। ये तो डिस्पोजेबल चप्पल है ये। ये तो बड़ा क्यूट सा चप्पल है, इसी को पहन के नीचे जा सकते हैं। नमस्ते, ऐसा वाला वॉशरूम तो पक्का रखूंगा, और एक ऐसा वाला ट्रांसपेरेंट वाला, लेकिन वो साथ में एक बाथटब भी जरूर रखूंगा, ये तो काफी कूल लग रहा है। हम लोग निकलते हैं, बगल में मॉल है, क्या नाम है मॉल का? सेंट्रल मॉल। तो वहीं पर जाते हैं, थोड़ा सा विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। पंकु शायद कच्चे बच्चे रहेगा, एक मैं भी ले लेता हूँ, मैं लेके नहीं आया हूँ, पहन के आया हूँ बट लेके नहीं आया। बूफे सिस्टम, अभी हम लोग यहीं पर डिनर करेंगे और डिनर पूरा फ्री है। क्या बारिश हो रही है बाहर? ओ नो, जैसे दिल्ली में आया हो बारिश हो रही है इधर, खतरनाक। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में यहीं बैठेंगे, हम लोग की किस्मत ही खराब है। सोचा था यहाँ पर एकदम मस्त एकदम स्विमिंग करेंगे, और ये आधी तूफान और बारिश होने लग गई है। बट कुछ क्या पहुँचा यहाँ, तो आंधी तूफान सब आने लग गए भयंकर, यहाँ तो आंधी तूफान आ गए। जैसे पहुँचा मैं यहाँ पर, देखो बारिश चालू सामने से। ये होता है उत्तराखंड की पावर, पहाड़ की पावर। हाँ कौन से गेले मॉल है ना, दिस इज द सेंट्रल मॉल ऑफ एरो सिटी। लव यू। यार देखो कितना गंदा मौसम,
पूरा धूल मिट्टी। ये है फर्जी कैफे, यहाँ बिल्कुल मत जाएं क्योंकि फर्जी है कैफे। yeah. जीता हूँ जिसके लिए, गाना बजेगा अभी पीछे। So this is the mall. वो भयंकर, ये तो लाइटिंग लाइटिंग यहाँ पे भयंकर ही। ये सारे सब खाली हो गए क्या? ये सब समेट के घर लेके जाते क्या सब? पंकज दुल्हनिया पसंद कर ले की शादी में हम लोग यही पहने क्या? कुर्ता हजार रुपए में मात्र। दिल्ली का तो मौसम ही चेंज कर दिया भाई मैंने यहाँ आके। यह है भयंकर। अबे कुंग फू, कुंग फू रहे तू? गुड वाइब्स ओनली। हम लोग सीधे वापस जा रहे हैं बिकॉज अभी हम लोग यहाँ पर और कुछ है नहीं। मुझे लगा यहाँ पर अच्छा मॉल होगा बट ये सेंट्रल मॉल भी इतना खास नहीं है तो इसलिए अभी वापस बैक टू होटल। एंड यार मिनी सो तो यार अपने हल्द्वानी में भी है, अपना हल्द्वानी किसी से कम नहीं भाई। ये सही है बुफे सिस्टम। अभी यहाँ पे पंकु भैया कुछ खाएंगे, क्या खाओगे पंकु? दुनिया भर का आइटम रखा है यार यहाँ तो। ओके सो मैं भी ले लेता हूँ फटाक से। जल्दी दे और दे। बस हो गया ये सब वसूल मुल्क दीवानी, ये जवानी है दीवानी मुल्क। बस हो गया काफ़ी है। मच आइटम ऑन माय प्लेट। मैं रोस्टर तो खा रहा हूँ यहाँ पे लेकिन जो पंजाबी रसोई का रोस्टर है ना वो तो भाई उसका कोई टक्कर नहीं है हल्द्वानी का। और इसलिए हम दो तीन बार और खाएंगे क्योंकि फुल पैसा वसूल करना है। यानी कि एकदम इंग्लिश स्टाइल में हल्का छोटा सा फोक से खाया और पेट भर लिया नहीं, दबा के खाएंगे, दबा के खाना है। और इतना ढेर सारा फिर से ले आया मैं, इस बार मैं अलग अलग ले आया, सब मिक्स कर दिया इसमें मैंने। And to have मिठाई, some dessert. अरे वाह ये क्या है? ये तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है, क्यूट सा। ओके सो हमारा हो चुका है डिनर, सब खत्म। अब हम सीधे टपक सो जाते हैं, उसके बाद कल सुबह स्विमिंग पूल में कूदी मारेंगे मस्त करके। लेकिन तो फिर हाँ यार लिफ्ट बड़ा फास्ट है, एकदम जुक करके पहुँचा दे रहा है।